तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे अच्छे हैं बच्चों? आज हम लोग सीखेंगे अपना नेक्स्ट लाइन इक्वेशन, नेक्स्ट लाइन के बारे में। तो आज हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन विच ज्वाइन, विच इज फाउंड बाय ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ही नहीं, वो टू पॉइंट्स किसी भी टू पॉइंट से को कनेक्ट कर रही हो और आगे भी जा रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? मतलब हमको एक ऐसी लाइन इक्वेशन निकालनी है जो पॉइंट पी और क्यू, चाहे ऐसे कह लो कि दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, और ऐसे भी कह सकते हो कि वो लाइन काफ़ी दूर जा रही है लेकिन वो टू पॉइंट से होके जा रही है, टू पॉइंट से होके जा रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये इक्वेशन दोनों के लिए है, चाहे ऐसे आप कह लें कि वो टू लाइंस को कनेक्ट कर रही है, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि वो इन दोनों पॉइंट से होकर जा रही है और आगे भी जा रही है। तो हमको वही इक्वेशन निकालनी, बना देते हैं इधर ना ऐसे, इसको रख, मतलब इसको लिखा रहने देते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो। कुल मिला के टू पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन एक्स वाई स्पेस में है 3D में, तो जेड, और ये उसका ओरिजिन है 0 0 0 कार्टेशियन सिस्टम का जो हम ले रहे हैं। अब हमको पी क्यू दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली या दो पॉइंट से जाने वाली, पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है। ओके, मान लो कि पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका x1 y1 z1 और दूसरे का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, जस्ट इन द टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट। और इस पॉइंट का पोजीशन अगर वेक्टर के टर्म में निकालना चाहें तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर होगा, इसको आप नाम दे दीजिए A वेक्टर। और इस पॉइंट जो पॉइंट Q है, अगर उसका पॉइंट क्यू का आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर निकालना चाहें तो वो OQ वेक्टर होगा, और उसका एक शॉर्ट नेम दे दीजिए B वेक्टर। अब हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का, ये वाली जो लाइन जो जा रही है, तो हम इस पर एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, वेरिएबल पॉइंट, और उसका नेम देते हैं x y and z, जैसा कि आप जानते हैं, और इसको R को ऐसे मिला दीजिए, और ये इसका नाम पोजीशन R। इस R पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो R है, वो वेरिएबल है, मीन्स उस x y z, मीन्स उसका एक लोकस हम निकालेंगे। तो हमको निकालना है OR वेक्टर, OR वेक्टर ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, वो उस लाइन के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये लाइन जो होती है वो बहुत, जैसे ये लाइन है ना, ये बहुत इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनी है लगभग, है ना, तो उसी पॉइंट का ये एक लोकस होता है R वेक्टर। चित्र थोड़ा ज़्यादा लगता है, खिचपिच हो गया, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। ये पॉइंट P था, जो हमारी लाइन है वो टू पॉइंट्स को जोड़ रही है, पॉइंट P, पॉइंट क्यू, और है ना, और हमने इस पर एक, इसी लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया था R, जिसका लोकस x y z हमें निकालना है, और इसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर जो है वो, उसको हम B वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइन कौन कौन से दो पॉइंट से होकर गुजर रही हैं? P और Q से। Q पॉइंट दो पॉइंट हैं जिनसे वो पास हो रही है, जिनको वो कह लो कि कनेक्ट कर रही है। तो पॉइंट P
पी जो पहला पॉइंट जिससे लाइन जा रही है उसका पोजीशन वेक्टर, उसका एक स्मॉल नेम आप रख लीजिए स्मॉल ए। सिमिलरली पॉइंट क्यू उसका पोजीशन वेक्टर ओ क्यू और उसका आपने नाम दिया है बी वेक्टर। ये पॉइंट पी और पॉइंट क्यू जिनसे लाइन पास हो रही है ये उसके पोजीशन वेक्टर है। ओ पी इज नथिंग बट एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। ये पहला पॉइंट जो एक्स वाई एक्स वन वाई वन जेड वन है उसका पोजीशन वेक्टर है और ये दूसरा पॉइंट जो एक्स टू वाई टू जेड टू है ये उसका पोजीशन वेक्टर है। ये दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हो गए जिनसे लाइन जा रही है। और हम मान लेते हैं कि लाइन पर कोई एक पॉइंट आर है वेरिएबल जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो उस आर का जो पोजीशन वेक्टर है जो हमने माना है जिसको हमको निकालना है उसको हम एक्स वाई जेड माने हैं जनरल, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और जो ओ आर वेक्टर है उसको आप आर कैप लिखिए। तो आर कैप के टर्म में हमें निकालनी है लाइन। इस लाइन का एक ये कौन सी लाइन, इसका नाम रख लो एल। तो हमें एल लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो सिंपल चीज देखिए, आप पी से आर वेक्टर निकालिए जरा, पी आर वेक्टर पॉइंट पी और वही वेरिएबल एक्स वाई जेड जो लिया है हमने कोई पॉइंट उसका जरा वेक्टर निकालिए। तो पी आर वेक्टर कितना आ जाएगा, पी आर वेक्टर आ जाएगा सिंपली, आप उसको चाहो तो पहले ऐसे भी लिख सकते हो, ओ आर माइनस ओ पी इज नथिंग बट आर माइनस ए वेक्टर। और सिंपली अगर आप उसकी वैल्यू रखना चाहो तो वो आ जाएगा पी आर, पी आर को ज्वाइन कर रहा है तो आर का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर, तो जस्ट कोऑर्डिनेट के टर्म में भी आप लिख सकते हो एक्स माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के, जेड माइनस जेड वन के। ये आपका आ गया पी आर वेक्टर नंबर वन। ये आपका आ गया पी आर वेक्टर, ये पी और वो आर पी आर वेक्टर। और अगर आप अगर पी क्यू वेक्टर निकालना चाहें इन्हीं दो पॉइंट को जो पॉइंट से जिन पॉइंट से लाइन जा रही है उन्हीं को मिलाने वाला वेक्टर, तो नथिंग बट ओ क्यू माइनस ओ पी वेक्टर इज नथिंग बट बी माइनस ए वेक्टर। और चाहे ऐसे कह लो चाहे सिंपली एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन के, ऐसे भी लिख सकते हो पी क्यू वेक्टर। नाम नहीं देते हैं, चाहे ऐसे सिंपल वेक्टर के टर्म में लिख लो पोजीशन वेक्टर के टर्म में, या फिर उनके कोऑर्डिनेट्स के को लिख के वेक्टर बना लो, बात वही है। लेकिन पी क्यू आर एक लाइन पर ही तो हैं, मतलब कि पी क्यू आर कोलिनियर हैं, पी क्यू आर कोलिनियर हैं, तो पी आर और पी क्यू ये दोनों वेक्टर जो हैं पी आर और पी क्यू ये वेक्टर तो कोलिनियर हुए, तो कोलिनियर हुए तो इसका मतलब है कि एक ही लाइन में उनके बीच का एंगल जीरो है, यानी पैरेलल भी हुए। तो पी क्यू यानी पी आर वेक्टर इज नथिंग बट पी आर इज पैरेलल टू पी क्यू। मीन्स आप लिख सकते हो कि पी आर वेक्टर इज नथिंग बट लेमडा पी क्यू। जब कोई दो वेक्टर पैरेलल हो या कोलिनियर हो तो उनको ऐसे लिखा जा सकता है, ये हम वेक्टर अलजेब्रा में आपको बहुत ढंग से समझा चुके हैं। तो पी आर की वैल्यू रख दीजिए, यानी मतलब आर माइनस ए इक्वल टू लेमडा, और पी क्यू की वैल्यू लिख दीजिए यानी बी माइनस ए। तो ये आ गया आपका टू पॉइंट्स पी क्यू, टू पॉइंट्स पी एंड क्यू जिनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, उन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं। वेयर ए वेक्टर इज अगर कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखना चाहो तो ये, और बी वेक्टर इज दिस,
अगर वो टू पॉइंट्स ए और बी वेक्टर, टू पॉइंट्स पी और क्यू जिनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, तो उनसे जो लाइन पास हो रही है उसका इक्वेशन है दिस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आर माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पर भी ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पी आर लिया था तो आर माइनस ए आया था। अगर आप क्यू आर लेते, क्यू आर, तो क्यू आर इज आल्सो पैरालेल टू पी क्यू। क्यू आर और क्यू आर था मेरा वेक्टर, आर माइनस बी इज पैरालेल टू बी माइनस ए, मीन्स आर माइनस बी इक्वल टू लेमडा बी माइनस ए। तो टू पॉइंट्स पी और क्यू जिनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, उनको मिलाने वाली लाइन का इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो, आर माइनस ए इक्वल टू लेमडा बी माइनस ए, वेयर ए वेक्टर पहले वही इस मतलब एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर दूसरे पॉइंट का पोजिशनल कोऑर्डिनेट, मतलब पोजिशनल वेक्टर, सॉरी पोजिशनल वेक्टर जो कि कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखे हुए हैं, और आर वेक्टर की जगह पर आप एक्स वाई जेड के टर्म में भी आप लिख सकते हो। तो ये तो हुआ सिंपली, आपको अगर पोजिशन वेक्टर पता है पॉइंट्स के, और अगर आप कोऑर्डिनेट टर्म में लिखना चाहो यानी आर वेक्टर और ए वेक्टर और बी वेक्टर ना लिख के आप उनके एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहो तो लिख लो आर वेक्टर, इसमें वैल्यू रख दो तो इसमें वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी यहाँ पे आर वेक्टर की जगह पर ये, ए वेक्टर की जगह पर ये और बी वेक्टर की जगह पर ये, इन तीनों को लिखो तो इसका ये आ जाएगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए वेक्टर जब लिखोगे ना उसका आई आई कंपोनेंट घटाओगे, तुम करके देखो, आर वेक्टर की जगह पर ये रखो, ए वेक्टर की जगह पर ये रखो रखो और उनका आई आई और जे जे कंपोनेंट ये सब अलग करो, तो एक्स माइनस एक्स वन आई, वाई माइनस वाई वन जे, जेड माइनस जेड वन के, इज नथिंग बट लेमडा एक्स टू माइनस एक्स वन, बी का भी वैल्यू रखो, ये बी वेक्टर का भी वैल्यू रखो, आई प्लस लेमडा वाई टू माइनस वाई वन जे प्लस लेमडा जेड टू माइनस जेड वन के। यहाँ से आपका जब आप कंपेयर करेंगे, चूँकि देखो इक्वल का निशान लगा है तो आई आई के कंपोनेंट इक्वल हो जाएंगे, जे जे के कंपोनेंट इक्वल हो जाएंगे और के कंपोनेंट इक्वल हो जाएंगे, तो मीन्स एक्स माइनस एक्स वन इज नथिंग बट लेमडा एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा लेमडा इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। सिमिलरली जब आप जे का कंपोनेंट कंपेयर करेंगे तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका लेमडा इक्वल टू y माइनस वाई वन अपान वाई टू माइनस वाई वन। और सिमिलरली आप जब k कंपोनेंट कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा लेमडा इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान जेड टू माइनस जेड वन। सब लेमडा हैं तो मतलब ये और ये, इनको अब इक्वल लिख लो तो आ जाएगा आपका x माइनस एक्स वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान जेड टू माइनस जेड वन। ये हो गया आपको टू पॉइंट्स एक्स वन वाई वन जेड वन यानी p पॉइंट और q पॉइंट एक्स टू वाई टू जेड टू को मिलाने वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन। अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहो, ये b लिखकर, अभी हमने r माइनस ए लिखा था, तो अगर आप ये b लिखकर इस्तेमाल करना चाहो तो एक ही इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस एक्स टू अपान एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपान वाई वन माइनस वाई टू
equal to z minus z2 upon, ये देखो x माइनस x2, x2 माइनस x1, y माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y1, और z माइनस z2 अपॉन z2 माइनस z1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चाहे आप x1 y1 z1 लिखिए ऊपर, चाहे x2 y2 z2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये आपकी लाइन इक्वेशन हुई इन द टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, इन द टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, जो कि दो पॉइंट्स पी और क्यू से मिलकर बनी है, या कह लो कि पी और क्यू को ज्वाइन कर रही है, मिलकर नहीं, पी और क्यू को या तो ज्वाइन कर रही है या पी और क्यू पॉइंट से पास हो रही है, दो पॉइंट से पास हो रही है। तो ये उस लाइन के इक्वेशन है। अगर आपको उस लाइन के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो आप डायरेक्टली ए वेक्टर और बी वेक्टर यानी उनके पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं, और आप डायरेक्टली यहां से भी इसको लिख सकते हैं। और अगर आपको कोऑर्डिनेट्स का ही यूज करना है तो आप इनका यूज कर सकते हैं। समझ में आया? आपको ज़्यादा ये कठिन ना पड़े इसलिए अभी आप इतना समझिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसकी डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शनल रेशियोज इन सब की बात करेंगे, जैसे पिछले एपिसोड में किया है वैसे इस एपिसोड में भी कर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।